पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कहाँ से ड्रॉ करना स्टार्ट करना। ओके तो अपन ये करते, अपन फेस पहले बनाते हैं ताकि एक एरिया फिक्स हो जाए कि भाई अपने सारे फेशियल फीचर्स यही आने हैं। तो फेस स्टार्ट करने का सबसे अच्छा तरीका होता है इस एरिया से, ईयर्स के नीचे वाले से, ताकि जॉ लाइन चिन बन जाए। यहाँ से फिर स्ट्रेट लाइन जाके फोरहेड बन जाता है, फेस का एक जो शेप रहता है वो आ जाए। ओके तो क्या करेंगे, रिफरेंट अपन बोलेंगे इसके पॉइंट्स। तो जैसे ये है, ये बीचों बीच है, पहले नंबरिंग दे दो अपने, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तुलसी म्यूट कर लो। 1 2 3 4 7। ठीक है तो ये पॉइंट है। अब इस पॉइंट को, इसका जो अपन को लोकेशन निकालनी कैसे, वो लाइन नंबर 6 से कितना ऊपर है और लाइन नंबर 2 से कितना लेफ्ट है। लाइन नंबर 6 से कितना ऊपर है, 1.4 सेंटीमीटर, और लाइन नंबर 2 से कितना लेफ्ट है, 0.7। ठीक है तो यही सेम चीज यहाँ पे मार्क करेंगे, 1.4 मार्क किया। ठीक है इस तरीके से एक लाइन खींच लो और इस लाइन से उस पे 0.7 सेंटीमीटर पे मार्क करो। तो यही यहीं पे आता है ये पॉइंट। ठीक है फिर देख सकते हो यहां से निकल रहा है 6.2 को कट करते हुए इसी पॉइंट को जो यहाँ पे है। देखो तुम्हारे रेफरेंस में डिफरेंस हो सकता है, ठीक है, क्योंकि सबने थोड़े अलग अलग ग्रिड खींचे हैं, किसी का 1 इंच का है, किसी का 2 सेंटीमीटर का है, किसी का थोड़ा अलग हो जाता है। तो अपने रेफरेंस के हिसाब से करना, मैं जो बता रहा हूँ कि मेरे पे कट कर रहे हैं तो वो कॉपी नहीं करना। ओके फिर आगे बढ़े, ट्रेस करते जाओ सर, 2 पॉइंट मिल गए, आगे बढ़े। अब कौन सी लाइन को कट कर रहा है ये, तो इस पॉइंट से कितना ऊपर है ये, इस पॉइंट से है ये 1 सेंटीमीटर ऊपर, 7.3 से। 7.3 पे मैंने 1 सेंटीमीटर पे मार्क किया। फिर आगे बढ़ते हैं, अब आते चिन वाले पोर्शन पे। चिन पे देखो इसने कहां पे मार्क किया है, ये मार्क हुआ है 0.5 सेंटीमीटर। 0.5 सेंटीमीटर मैंने यहां मार्क किया। फिर धीरे धीरे ऊपर गए, इस लाइन को कट करता है, ये लाइन कितना सेंटीमीटर लेफ्ट है, 0.6, तो 0.6 सेंटीमीटर लेफ्ट है। फिर ऊपर गए, इस लाइन को कितने सेंटीमीटर पे कट कर रहा, तो इस वाले पॉइंट से, जो कौन सा पॉइंट है, 6.5 से अपन मेजरमेंट लेंगे, तो वो आता है 1.2 सेंटीमीटर। तो 1.2 सेंटीमीटर यहाँ मार्क किया। ठीक है ऐसा नहीं कि पूरा ऊपर तक ले जाएंगे, पहले मैं यहाँ तक मार्क करवाता हूँ। ठीक है इस लाइन से, इस पॉइंट से देखो 5.5 से, मेरा बहुत ज्यादा नहीं है, 0.2 सेंटीमीटर है, वो समझ में आ रहा है। और फिर ये यहाँ आके मिक्स हो गया ऐसे, ऐसे इसी लाइन पे। तो ये किस कितने सेंटीमीटर पे ज्वाइन किया है, ये हुआ होगा 1 सेंटीमीटर। हाँ तो ये 1 सेंटीमीटर पे मार्क लगाया मैंने और ये हो गया। तो मेरे पास जो पॉइंट्स है, पॉइंट्स आ गया मेरे पास कहाँ से, लेफ्ट ईयर से लेके राइट ईयर तक। ठीक है तो पॉइंट्स लेना आसान है, पॉइंट्स लेना बहुत आसान है। तो ड्रॉ करने के लिए आइदर यू कैन स्टार्ट फ्रॉम हेयर, ठीक है, और यू कैन स्टार्ट फ्रॉम द चिन। तो चिन पे एक चीज ध्यान रखो, अपने रेफरेंस पे से लाइन ड्रॉ करो, अब उसी तरीके की एंगल पे यहाँ पे ड्रॉ करो। कैसे, जैसे तुमने एक काम करो, चिन पे लाइन ड्रॉ करी, स्केल से करो, तुम्हें पता चल गया वो यहाँ पे कट कर रहा है। तो सेम चीज एक लाइन ऐसी ड्रॉ करो जो यहाँ पे कट करे। ओके आसान चीज है। यहां से आप धीरे धीरे कर्व करना स्टार्ट करो, आगे गए और फिर ऊपर की तरफ कर्व, एक कर्व इसे कट करेगा इस लाइन को, ठीक है, जो अपने रिंकल्स पे आ रहे, और एक जॉ लाइन वाली लाइन। तो पहले बनाओ ये वाला, ठीक है, पूरा ऊपर तक नहीं ले जाना है अपन को, सिर्फ यहां तक करके छोड़ देना। फिर इसी का कंटिन्यूएशन नहीं आ रहा है, ये देखो थोड़ा सा ऊपर है, ये थोड़ा सा ऊपर है, इसका भी मेजरमेंट ले सकते हो, 0.7 0.7, यहां से इस तरीके से कर्व होते हुए। अब देखना यहां पे कर्व बना दी, जो 3 पॉइंट्स दिख रहे हैं, पहले ये कर्व बना दो, ठीक है,
अब उसे ज्वाइन कर दो यहाँ पे। चिन इसकी बहुत ज्यादा फ्लैट नहीं है, अपन को रेफरेंस को स्टडी भी करना होता है कि भाई इस चेहरे का चिन है, किसी की पूरी राउंड रहती है, किसी की डबल चिन रहती है, किसी का तो पूरे स्टोरी रहती है, एक दो तीन चार सीढ़ियां टाइप, किसी की एकदम शार्प जॉलाइन रहती है, किसी की फ्लैट चिन रहती है, तो वो देखना। इसकी जो चिन है बहुत ज्यादा फ्लैट भी नहीं है और कर्व नहीं है, मतलब बीच वाला एरिया थोड़ा सा फ्लैट आया अपन ने वो बनाया और फिर कर्व्ड जा रहा है, ठीक है, तो धीरे धीरे उठेगा। मैंने क्या बोला था, स्ट्रेट नहीं है, टिल्टेड है। तो क्या करना है, यहाँ पे जो आ रहा है ना कर्व, यहां से ड्रॉ करना स्टार्ट करो। ऐसे आया तो हल्का सा कर्व की तरफ मुड़ो, ओके। सेम चीज अब यहाँ पे, जैसे यहां करी थी ना कि चिन से नहीं आ रहा, जॉलाइन यहां से आ रही है, तो यहां से स्टार्ट किया, सेम पॉइंट पे ये लाइन लाए, क्योंकि तो यहां से अपने जॉलाइन का जो कर्व है ईयर से आ रहा है वो यहाँ पे आ रहा है इस पॉइंट पे मेरा, तो मैं इसे इस तरीके से ज्वाइन करूंगा। देखो स्ट्रेट लाइन नहीं है, अब जैसे अपन एक थोड़ा ओल्ड व्यक्ति का स्केच बना रहे हैं, जिम कैरी का स्केच है, ठीक है, बहुत फेमस हॉलीवुड कॉमेडियन एक्टर, तो ऐसे नहीं है कि एकदम स्ट्रेट जॉ लाइन है यहाँ पे, इसलिए क्योंकि थोड़ा स्ट्रेस्ड है यहाँ पे, थोड़ी देखो थोड़ी ढीली सी स्किन है, तो थोड़ा ऐसे वेवी फॉर्म में आएगा, ठीक है। तो यहां से आया और ये वाले हिस्से में ऐसे कर्व करके ज्वाइन हो गया, तो अभी के लिए अपना इतना बनाते हैं। देखो अभी कह नहीं सकते कि सही बना है कि गलत, तुम बनाओगे तुम्हें लगेगा सही है, तुम्हें लग रहा गलत है, पहले पूरा बन जाने, ठीक है, एक स्ट्रक्चर बन गया अपना, फिर अपन को समझ में आ रहा है कि नहीं भाई चिन और कर्व होनी चाहिए, लाइक चिन यहाँ पे पॉइंटेड हो गई, यहाँ से थोड़ी और कर्व होनी चाहिए, यहाँ से थोड़ी और कर्व होनी चाहिए, ये स्ट्रेट होना चाहिए था, ठीक है। इस तरीके से थॉट आ रहे दिमाग में वो अभी होल्ड करो, ठीक है, पहले अपन एक पूरा चेहरा बना ले, उसके बाद फिर अपन धीरे धीरे छोटे मोटे एडजस्टमेंट करते रहेंगे। तो देखो ये जो अपन ने लाइन ड्रॉ करी थी इसको ऐसे एक्सटेंड करो ऊपर तक, इधर पे कट कर रही है, ठीक है, इसका क्या हुआ 1 सेंटीमीटर, इसका हुआ 1 सेंटीमीटर यहाँ पे, तो ये जो लाइन है इस तरीके से आनी चाहिए ऐसे, ठीक है। फिर अब इसकी जो कलम आती है यहां से, यहाँ ड्रॉ करो ये चीज, ये ऊपर की तरफ कर वैसे, तुमने ये यहां से एक लेफ्ट टर्न लिया, ठीक है, पहले देख लो कितना ऊपर तक जाना है, ये जाना 1.1 सेंटीमीटर तक, ठीक है, ऐसे इसी लाइन को आगे एक्सटेंड करो 1.1 सेंटीमीटर, ठीक है, फिर 0.5 सेंटीमीटर राइट और फिर ऊपर, तो 0.5 सेंटीमीटर राइट इस तरीके से, और फिर यहां पे कट कर रहा है ये कितने सेंटीमीटर पे, 0.9 यहां लिया, फिर ऊपर ये वाला जो पॉइंट आ रहा है ना, जो टर्न ले रहा है, ये वाला पॉइंट भी ले लो, ठीक है, ये अराउंड यहां कट आएगा, ठीक है, फिर ऊपर आते हैं 0.7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो कैसे ड्रॉ होगा ये, कि ईयर्स के सामने वाला पोर्शन है इस तरीके से धीरे से ऊपर कर्व किया, अब देखो ये वाला शेड वाला पोर्शन आता तो मैं शेड कर रहा हूँ, ये ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, हल्का से ये आया ऊपर की तरफ इसको कट करते हुए ये गया। अब देखो मेरा वाला इस लाइन से थोड़ा नीचे, इस पॉइंट से 0.5 सेंटीमीटर नीचे यहाँ कट कर रहा है, मैंने हल्के से ऐसे कर्व किया, यहाँ इस पॉइंट से थोड़ा नीचे है हेयर लाइन, थोड़ा नीचे, मैं क्या करूंगा हल्का हल्का शेड करते हुए, सब लोग मेजरमेंट ले लेना, मैं फ्री हैंड बना रहा हूँ क्योंकि इजी है, ठीक है, ज्यादा मेजरमेंट नहीं है, 0.2-0.3 सेंटीमीटर नीचे है, तुम भी आराम से बना सकते हो, हल्का सा शेड ही करना है, फर्क आता है यहाँ पे, यहाँ पे देखो ऐसे हेयर्स जा रहे हैं ऊपर, यहाँ से अलग आ रहा, तो हल्का सा मैं क्या करूंगा हेयर्स का एक स्ट्रोक लगाऊंगा यहाँ, और फिर यहां से दोबारा स्टार्ट करूंगा। तो अब देखो यहाँ पे कितने पे कट कर रहा है, यहाँ पे कितने पे कट कर रहा है, तो ऊपर वाले पे कट कर रहा है 0.9 पे, और नीचे वाले पे यहाँ इस पॉइंट से कर रहा है लेफ्ट कितना 0.6, तो यहाँ पे 0.9 सेंटीमीटर राइट, यहाँ पे 0.6 सेंटीमीटर लेफ्ट, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि इधर से स्टार्ट करना है कर्व, देख सकते हो थोड़ा ऊपर से, तो यहाँ से कर्व स्टार्ट हुआ, जैसे इस पॉइंट को टच किया ऐसे थोड़ा आगे बढ़े,
नीचे की तरफ टर्न आया, देखो ये आया कर्व और फिर नीचे की तरफ स्ट्रेट लाइन सी हो गई, ये आया टर्न और फिर ये नीचे की तरफ स्ट्रेट लाइन सी हो गई, ठीक है। फिर इस तरीके से हल्का सा देखो स्ट्रेट लाइन यहाँ तक है, पूरी नहीं है, ये आईज वाले पोर्शन में थोड़ा अंदर की तरफ गया और फिर बाहर। गलती क्या करते हैं लोग इसमें, मैं बोलता हूँ हल्का सा अंदर बाहर होना चाहिए, जैसे ये हुआ। गलती क्या करते हैं, ऐसे कर्व बना देते हैं भाई, बादल का शेप नहीं बना रहे, फेस में हल्के से कर्व रहते हैं आईज वाले पोर्शन के पास। तुमने किसके कर्व फेस में देखे इतने, या आईज वाले एरिया फूला हुआ है, काले एकदम पिछे हुए हैं, फिर चिन वाले एरिया फूला हुआ है, ठीक है, तो वो नहीं करना है। तो इतने में अपना फेस का शेप हो जाता है हल्का फुल्का, तो दिख रहा नहीं है, ठीक है, हल्का फुल्का दिख रहा है। जो अपन रिंकल्स बना देंगे, हेयर्स बना देंगे और बेटर लगे, तो पहले इतना कर लो। हेयर्स बनाएंगे सबसे बेस्ट तरीका होता है, जैसे बीच में बाल बना दिए राइट साइड के, बताता हूँ, एक लोकेशन मार्क कर लो, लाइक मैक्सिमम ये यहाँ पे आ रहा है, ये मैक्सिमम यहाँ पे आ रहा है और ये यहाँ पे तो ज्वाइन ही हो रहा है, ओके। अब हेयर्स की डायरेक्शन देखो, से यहाँ निकल लो, इसके पीछे वाले सब ऐसे धीरे धीरे जा रहे हैं, फिर ये यहाँ निकल रहा है, ठीक है, इस तरीके से फिर नीचे आया, फिर हल्का तो डायरेक्शन बनाते जाओ धीरे धीरे। फिर जैसे नीचे की तरफ एकदम टर्न मार दिया, फिर और नीचे की तरफ, फिर ये हल्का हल्का, फिर इन्हें ऐसे वेव फॉर्म में ऐसे जोड़ दो, ओके। सेम चीज वी आर गोइंग टू डू विद द राइट हैंड साइड हेयर। राइट हैंड साइड हेयर्स में यू कैन टेक मेजरमेंट कहाँ से कहाँ आने वाले, लाइक इस तरीके से बाल हैं, यहाँ पे कट कर रहा है, यहाँ पे कट कर रहा है, ओके। तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, ये दिख रहे हैं बाल पीछे जाते हुए, आई एम गोइंग टू ड्रॉ दिस वेरी लाइटली, ठीक है। बालों की जो आउटलाइन होती है वो ऐसा आउटलाइन नहीं होती, वो बाल जो एक दूसरे में जाके मिलते हैं ना स्मूथली, ये वो है डायरेक्शन, इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ वाले बाल जो आते हैं, यहाँ वाले बाल इस तरीके से आए, ओके। यहाँ वाले जो बाल हैं, जरा ईयर्स वाला पोर्शन छोड़ देना थोड़ा, ये ईयर्स पहले बना लेते हैं। देखो ईयर्स बनाने का तरीका आसान है, मेजरमेंट ले लो, ये है 0.4, ज्यादा मेजरमेंट है नहीं, 0.4, ये यहाँ पे कट कर रहा है। ईयर्स का शेप सिंपल है, एक ओवल शेप है यहाँ से ऐसा, ठीक है, ये एक ओवल शेप है ईयर्स वाला। तो ऐसा भी नहीं कि अब एकदम ओवल बना के छोड़ दो, थोड़ा पर्टिकुलरली शेप दो, ठीक है, जैसे यहां से ऊपर जाता हुआ लेफ्ट हैंड, थोड़े से जो वेवी फॉर्म है ना इसका, ये फिर ईयर की जो टिप्स ही आती है ऐसे कर, अभी एकदम आने की जरूरत नहीं है, अंदर का बनाना हो यू कैन ड्रॉ इट, ठीक है, इतना करके छोड़ सकते हो, ओके, नो प्रॉब्लम। हेयर्स पे आते हैं, तो हेयर्स इज लाइक जैसे यहाँ से, तो यहाँ से अंदर की तरफ बाल जा रहे हैं, फिर थोड़ा ऊपर उठे, फिर यहाँ से अंदर की तरफ जा रहे हैं, फिर ऐसे कर्व किया और फिर ये अंदर की तरफ जा रहे हैं, फिर एक ये बड़ा सा कर्व आता है और फिर ये अंदर की तरफ जा रहे हैं, और फिर इट इज लाइक दिस, ओके। तो यू हैव कंप्लीटली ड्रॉन हेयर्स और फेस का शेप हो जाता है। सिमिलरली नेक का भी आसान है, नेक यू जस्ट हैव टू, देखो स्ट्रेट लाइन नहीं है, रिमेम्बर थोड़ा वेवी फॉर्म है, इस तरीके से थोड़ा वेव करता हुआ है। सेम चीज इस साइड तो बिल्कुल नहीं है स्ट्रेट, मैं फ्री हैंड जरूर ड्रॉ कर रहा हूं, यू हैव टू ड्रॉ इट विद ग्रिड, ठीक है, स्केल से मेजरमेंट लेके। यहाँ पे पूरा कर्व आया नेक वाला और ये यहाँ ज्वाइन होता है, यहाँ पे आया, ठीक है, तो ये अपना नेक के साथ रेडी है, ओके। तो इतना कर लो,